अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हैं? मैं यूट्यूब फैमिली, अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन शिमला मिर्च आलू का शोरबा। चले आए बनाते हैं मेरे स्टाइल में। हाफ कप से भी कम ऑयल, दो प्याज ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया है। वीडियो नहीं आई है, मैंने एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अभी मैं डालूँगी ये चिकन बोनलेस। अब मैं इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए इसमें भून लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट में। कभी भी आप लोग देखें अदरक लहसुन के पेस्ट में ना 1 से 2 मिनट हम लोग को चिकन हो या मटन हो या बीफ हो, कुछ भी हो, अच्छे से भूनना चाहिए। भून के ही बाद में मसाले डालना चाहिए। एक चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, चम्मच धनिया पाउडर। अब हमारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको पका लेंगे। और मैं इसके अंदर एक मैगी क्यूब से इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग कर भी सकते हैं या करेंगे तो अच्छा टेस्ट भी आएगा, और नहीं भी करना चाहे तो मत करें, आप लोग की आप लोग को जैसा लगे। तो यहाँ पर मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ, छोटे से मैंने 2 टमाटर लिए थे। अब मैं इसको अच्छे से गला लूँगी टमाटर को। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, 1/2 कप के इतना, कि हमारा चिकन भी गल जाए और टमाटर भी। अच्छा, मुझे ना किसी ने ना मैसेज किया था, कह रहे थे कि आपने नया चैनल कैसे ओपन किया कुकिंग का, मुझे बताएं ऐसा वैसा। तो मैंने उनको कहा कि देखें, मैंने तो चैनल ओपन किया वक़्त मैंने कोई ऐसी एक वीडियो भी बना के नहीं रखी थी, और कुछ ने बस चैनल देखा और किसी से पूछा है, भाई से उनसे पता किया, उन्होंने मुझे चैनल के बारे में बताया है, फिर जाके मैंने चैनल बनाया था। लेकिन मैंने ऐसा कोई वीडियोस नहीं बनाई थी। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बाद में देखी हूँ कि लोग वीडियोस बना के चैनल बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियोस भी कितने 40-50 के करीब के डेली अपलोड कर रहे हैं, फिर उन लोगों के सब्सक्राइबर भी माशाल्लाह बहुत है। और मेरे देखिए 8 मंथ्स हो गए हैं अभी मेरे को ये चैनल के मतलब ऊपर आके काम करते हुए। मैं को डेली कुकिंग करती हूँ, डेली वीडियो भी अपलोड करती हूँ, कभी 2 दिन के बाद, कभी 3 दिन के बाद। 2 महीना तो मैंने किया भी नहीं है वैसे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर वैसे नहीं बढ़े। अभी देखें कोई अभी अभी 2 हफ्ता पहले कोई आया है, वो आ रहे हैं डेली डेली डाल रहे हैं, बस उनके सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, क्योंकि मैं उस तरीके से नहीं डाल रही हूँ। वो लोग क्योंकि वो लोग वीडियो बना के रखे तो वो लोग का चैनल चल रहा है, हमारा नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं वो ही डाल रहे हैं। हम लोग जब बना रहे हैं वो बना के वीडियो एडिट करके फिर हम अपलोड कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग बना के रखे हैं और अपलोड कर रहे हैं, तो वो लोग सही हैं, उन लोग अपलोड कर रहे हैं, उन लोग का तरीका सही है, हमारा बस ऐसे ही हो गया। अभी जैसा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हो गई बात है। अभी मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच भर के दही डाली थी, तो अब दही डाल के हम अच्छे से भून लेंगे इसको भी। भून के हम इसके अंदर बाद में मैं डालूँगी थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, मैंने छोटे छोटे पीसेस कट किए थे क्योंकि खाने में मज़ा आता है, आप लोग भी ट्राई करें। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी 2 आलू, मैंने छोटे से लिए थे, बिल्कुल छोटे से आलू थे ये, तो मैंने यहाँ पर 2 डाले। आप लोग अगर ज़्यादा खाते हैं तो आप लोग को पसंद है तो आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं खाते तो मैंने 2 ही डाले। और रही बात चैनल की, तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। और आप लोग को अगर चैनल ओपन करना है तो प्लीज़ 40-50 वीडियो बनाएं फिर अपलोड करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 शिमला मिर्च ले लिए थे बड़े, उसको मैंने अच्छे ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया था। अभी मैं डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी। पकाने के बाद में मैं इसको ना 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर रख दूँगी, जिससे हमारा आलू और चिकन शिमला मिर्च सब कुछ एक साथ गल जाएगा। धीमी आंच पर आपको बिल्कुल रख देना है।
अभी मैं थोड़ा सा धनिया डाल लूँगी ऊपर से डाल के इसको कवर कर दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट मेरे हो गए हैं और मेरा अच्छे से चिकन, शिमला मिर्च जो है सब कुछ गल गया है। मैं आप लोग को अभी डिश आउट करके बताऊँगी। चिकन, शिमला मिर्च, आलू का सालन आप लोग का कैसे लगा है मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दूसरी बात, ये मैंने शोरबे वाला बनाया था, मैं नेक्स्ट टाइम मसालेदार भी आप लोग को बताऊंगी। आप लोग ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं आके आप लोग के साथ कैसे बनाया और कैसा है टेस्ट में। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बहन को सपोर्ट करें। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, आप लोग के साथ मैं शेयर भी करूँगी, सीखूँगी भी, शेयर भी करूँगी और आप लोग को बताऊँगी भी। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।